हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये क्या हो रहा है? एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, वेलकम होते ही पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी बंद करने लगी थी, झटके खाने लगी थी। मुझे लगा क्या पेट्रोल नहीं है क्या? देखा पेट्रोल तो है, पता नहीं क्या हुआ था, थोड़ा कम है लेकिन डला लेंगे अभी आगे चल के। असल में हाईवे पे यहाँ पास में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कम से कम 10 किलोमीटर आगे तक ही कहीं पर भी पेट्रोल पम्प है तो ये मसला पड़ जाता है। तो अभी जा रहा हूँ मैं घर, और एक बहुत प्यारी सी चीज़ है जो लगाने वाले हैं अपनी RC में आज, तो वो दिखाएँगे घर चल के, और बहुत ही प्यारी है। मतलब मैंने देखा और देखते ही ले लिया। अभी चलेंगे वर्कशॉप जब अपने, तो आपको दिखाएंगे वो चीज़ क्या है। लखनऊ में अब ठंडी होने लगी है, लग रहा है किसी की शादी भी हुई है। कॉन्ग्रेट भाई, ओहो व्यू इतना प्यारा है, और ये सड़क भी बन गई है, ब्रिज बहुत ख़राब था। ये मौसम लखनऊ का बहुत चिली हो गया है, मतलब मेरी तरफ तो लाइक ओस गिरने लगती है पूरी रात में, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और सिटी के अंदर जाओ तो गर्मी लगने लगती है, ऐसा माहौल हो गया है। और रात में जब भी सो तो पता नहीं है, वेदर इस टाइम ऐसा हो जाता है कि आप रजाई ओढ़ोगे तो लाइक आपको गर्मी लगने लगेगी, मतलब ब्लैंकेट, और नहीं ओढ़ोगे तो आपको ठंडी लगने लगेगी। तो रात भर तो आधा टाइम तो मैं इसी से जूझता रहता हूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। राइड करने के लिए मौसम भी बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, धूप भी निकली हुई है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। तो आ गए हम कोल्ड जोन में, मतलब ये तो मैंने हर ब्लॉग में ज़्यादातर दिखाया है जब भी मैं यहाँ से गुजरा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और अभी महसूस भी होने लगी चली, मतलब बहुत ज़्यादा ही मौसम ठंडा रहता है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है इस वजह से कि एरिया से मुकाबले मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया यही होगा लखनऊ का। नहीं, वो पहले लगे थे तो उन्हीं को लाट डलवाना चाहिए, नहीं क्योंकि हमारे साथ भी ये होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो अगर आपको बुरा लगता है कि आपको कोई लाइन क्रॉस करके जाता है, तो आपको भी देखना चाहिए कि आप किसी की लाइन कभी क्रॉस ना करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है भाई। आलो ले लो। तो निकलते हैं वर्कशॉप पे, और डायरेक्ट वर्कशॉप पे मिलते हैं और दिखाता हूँ मैंने क्या लिया। तो आ गए हम वर्कशॉप, गाड़ी अपने अंदर आ गई है, और ये हमारे हीरो, ये पड़े हैं इसके चक्कर में क्योंकि इनके लिए लाए हैं। सिट। क्या बात है? अरे शाबाश। तो ये है वो प्रोडक्ट जो मैं लेकर आया हूँ अपनी गाड़ी में नए लगाने के लिए, जो कि है इंडिकेटर। ये टोटली बॉडी माउंट वाले इंडिकेटर है जो कि चिपक जाएंगे ऐसे करके, और इसको हम लगाएंगे जुगाड़ में। कैसे सेट करेंगे, ये एग्जैक्टली इसके साइज़ का नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ से निकल रहा है, अगर आपको हल्का सा दिखा होगा। तो इसको हम ऐसे करके सेट करेंगे, और थोड़ा सा निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जितना अंदर बैठ सकते हो उतना बैठा के लगा देंगे। तो यही है आज का प्रोजेक्ट हमारा, जो कि हम करेंगे उसको लगाएंगे, और देखते फिर कैसे लुक लगता है गाड़ी का। इसको सेट करने के लिए इंडिकेटर है, मुझे इसको खोलना पड़ेगा इस सीट को, और उसके अंदर की वायरिंग देखनी पड़ेगी पहले, चेक चेक करके कि कहाँ कैसे सेट करना है, क्योंकि जो हमारा इंडिकेटर है कहाँ गया। ये जो इंडिकेटर है इसकी जो ये एंड में दिया हुआ है यहाँ पे वायर, तो हमको ऐसे लगाना पड़ेगा इसको कि एंड में हो, क्योंकि सेटिंग अगर ढंग से नहीं हो पाएगी तो फिनिश अच्छे से नहीं आ पाएगी, तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले खोलना स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये रहा अपना हुड, इससे हम खोलेंगे, एलन की वाला ही है ये, तो को देख के रखना पड़ता है क्योंकि ये खो जाता है, और इसके अंदर खुद जाएगा तो भाई गहराई में चला जाता है। नो गॉड प्लीज नो। ये मेरे पेज खो चुके हैं इसके अंदर, पता नहीं क्या हुआ है इनका। इसको खोलते हैं, ये सीट, और ये देखिए गंदगी भाई साहब। ये भी इसको भी साफ़ कर देंगे अभी, मैं सब वायर पहले चेक कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि कौन सी वायर किस चीज़ की है। साफ करते हैं थोड़ा इससे, ये है एयर कंप्रेसर से करते हैं। बस हवा निकल गई, सॉरी लोल हो गया, मैं वहाँ से ऑन नहीं किया था। अब ऑन है, तो इससे थोड़ा क्लीन करते हैं। गंदगी अब मुझे बताएं कहाँ से आ रही है, ये जो इसके अंदर होल है यहाँ पे नंबर प्लेट वाला था, तो यहाँ से होल लग रहा है इसके अंदर,
से आता है। गाड़ी जब बारिश में मिट्टी मिट्टी छोड़ती है तो इसका भी इलाज करना पड़ेगा, तो हमें रैपिंग करनी पड़ेगी उस पर ताकि होल बंद हो जाए या तो कुछ और। तो जिनको वाइजर नहीं पता ये बैग पीछे वाला कैसे खोलना है, पहले ये नट खोल लेने हैं जो मैंने खोल लिए यहाँ पे थे, उसके बाद इन दोनों को खोलना पड़ेगा फिर ये निकाल आएगा। तो पेज खोल लिया। वॉशर को आप ध्यान से निकालिएगा क्योंकि ये खो जाता है ना, तो ये गिरेगा तो डायरेक्ट इसके अंदर गिरता है। अब ये नहीं पता बाई चांस अगर इसके अंदर चला जाएगा और इन सब जगहों पर, तो निकालना मुश्किल होता है, फिर पता नहीं चलता है कि वो गाड़ी को प्रॉब्लम देगा कि नहीं। तो उसको आराम से निकाल लेते हैं। तो ये निकला अच्छा है कि वायरिंग है, इसको निकालना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा वीडियो। तो ये निकाल लिया हमने, तो अब यहाँ पे साइड में चिपकाना है तो साफ कर देना थोड़ा, फिर लगाते हैं। फिर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वायरिंग, अभी मैं समझाता हूँ आपको इसको कैसे करनी है, क्योंकि कोई इसको देख रहा होगा इसलिए कि वायरिंग करनी है तो मैं बताता हूँ। तो हम लोगों ने वायरिंग कर दी है तो आपको वायरिंग समझाता हूँ। जो इंडिकेटर का, जो इसमें तीन तार निकले इंडिकेटर से, एक पीला, लाल और काला वाला, और ये जो तार देख रहे हैं आप ये आया है बैकलाइट से। तो बैकलाइट में जो रेड वाला तार है ठीक है, इसको अभी अलग रखिएगा। जो ब्लैक वाला तार है जो आपका इंडिकेटर से आया है, उन दोनों को यानी दोनों साइड के ब्लैक वाले तार को आप ये जो बैक लाइट का जो तार है उसके इस वाले से कनेक्ट करिएगा, जो ब्लैक और येल्लो है इससे कनेक्ट करिएगा। और ये जो इसका रेड वाला तार है ये आप इसको कनेक्ट करिएगा इसमें। देखिए दोनों को पहले दोनों इंडिकेटर के रेड को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद ये देखिए एक तार हम लोग ने ज्वाइन किया है और ये गया है आपका इधर, एक और है। अब ये नहीं पता है किसका है ठीक है, एक और ग्रीन कलर का है ये, आप इससे याद रखिएगा ये ऐसा है। इसके हम लोग ने कनेक्ट किया है इसके नीले वाले से, ये देखिए उनको सेंटर में ठीक है, ये आपका रेड वाला। और इसका जो पीले वाला है वो सारे इंडिकेटर्स में गया है, यानी मेरे में देखिए फ्लैशर लगा हुआ है, तो फ्लैशर के जो बैकलाइट वाले इंडिकेटर्स हैं उसके हमें कनेक्ट किया है हम लोग ने पीले वाले। अब जैसे अगर जो कंपनी फिटेड आता है, देखिए इसमें ये वाला है, तो जो कंपनी वाला होगा उसमें भी टर्मिनल दिए होंगे जिसको आपको डायरेक्ट इंडिकेटर में कनेक्ट करना होगा, तो उसमें आपको लगाना होगा। तो मेरा फ्लैशर में कनेक्ट है तो फ्लैशर में हम लोगों ने लगाया है, फ्लैशर में से दो इंडिकेटर के बैकलाइट में लगे हुए थे इंडिकेटर के द्वारा, तो आपको उसमें लगाना है। तो वायरिंग ऐसे लगेगी, पूरा थकाने वाला काम था, पूरा फिनिश कर लिया आखिरी में। और ये रहा अपना फाइनल लुक, ये फ्लैशर से कनेक्ट है तो इसलिए हो रहा है, और लाइक विदाउट फ्लैशर भी आई थिंक इसका ब्लिंक ही करता है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अब नॉर्मल एक इंडिकेटर चल रहा है और ये देखिए ऐसे होता है इंडिकेटर पे सर नॉर्मल, और फ्लैशर ऑन करते हैं वापस। फ्लैशर ऑन है तो गाड़ी लिटरली बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है, बहुत इंडिकेटर मेरे में नहीं लगे हुए थे तो अब मुझे दिखा था ये कल, तो मैंने लगा लिया। तो अब बाहर चलते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है फाइनल लुक, जिसमें फ्लैशर के साथ चल रहा है और गाड़ी ऐसी लग रही है। अब चलते हैं राइट पे थोड़ा आगे, तब देखते हैं। तो बहुत ही प्यारा आ रहा है, अभी मैं कहीं रुक के दिखाता हूँ आपको, और चांद जस्ट सामने, हाँ बिल्कुल प्यारा सीन है। और शादियों का सीज़न भी शुरू हो गया है अब तो, मतलब ठंडी आ जाती है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, सब लोग भैया शादी की तैयारी करने लगते हैं और ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। रात का रुख बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये वाले जो है ये पार्किंग वाले परमानेंट जलते रहते हैं, जैसे अभी मैं फ्लैशर बंद कर देता हूँ, फ्लैशर इसमें बंद कर दिया तो ये परमानेंट जलते रहेंगे, और टोन इसका बहुत प्यारा है। और जब मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ सिर्फ नॉर्मल फ्लैशर नहीं सिर्फ नॉर्मल, तो इसमें पहले से ही मैकेनिज्म है कि ये ब्लिंक करेंगे और ये वाला जब येलो वाला ब्लिंक करेगा तो बीच वाला बंद हो जाएगा, और जब बीच वाला जलेगा तो ये बंद हो जाएगा, तो इस तरीके से। और जब हम फ्लैशर अपना ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है, दोनों तरफ का दिखा देता हूँ ऐसे, तो ये फिनिशर। तो वायरिंग मैंने आपको दिखा दी है कैसे क्या लगाना है। तो यही था इस वीडियो में, रात हो गई है तो ख़त्म करते हैं व्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो, कमेंट करिएगा कैसी लग रही है गाड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।